क्लास नर्सरी कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सभी बच्चे अच्छे हैं। और मैंने आपको र से ऋषि की प्रैक्टिस कराई थी। ये देखिए, ये है हमारा र से ऋषि, ठीक है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। चलिए एक बार फिर से हम आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा था 4-5 डेज़ पूरा वीक हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से ये अक्षर बनाना आ जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया था हमने। पहले एक सीधी खड़ी रेखा बनाएंगे, ठीक है, फिर हम इसको ऐसे घुमा के ले जाएंगे, कर्व लाइन घुमाती हुई, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर यहाँ नीचे डॉट लगा के फिर ऐसा छोटा सा सी बना देंगे। बन गया हमारा र ऋषि का आधा पार्ट। फिर हम यहाँ एक डॉट बना देंगे, एक लाइन यहाँ बीच में मिला देंगे, फिर एक डॉट यहाँ बना देंगे, बीच में बना देंगे। ये हमारा बन गया र से ऋषि। तो सब बच्चे इसी तरह से आज र से ऋषि की प्रैक्टिस करेंगे। फिर से बनाते हैं, एक सीधी खड़ी रेखा, फिर एक घुमावदार तिरछी रेखा, फिर इसे गोला घुमा के नीचे लाएंगे, फिर ऐसे घुमा दीजिए, फिर एक यहाँ टेढ़ी रेखा, एक ये तिरछी रेखा। तो ये बन गया हमारा र से ऋषि। तो सभी बच्चे इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे फिर से। एंड ये देखिए, ये हमने 9 तक काउंटिंग कर ली थी, और कल मैंने आपको 10 बनाना सिखाया था, 1, 0, 10। तो हमारी काउंटिंग 1 to 10 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी कैसे करना है। आज मैंने इस तरह से दिया है 10s and 1s। 0 to 1 नंबर हमारे आते हैं, 0 to 9 नंबर हमारे आएंगे वंस लाइन में, क्योंकि एक सिंगल नंबर होता है। जब हमारे दो नंबर हो जाते हैं, 10 में हमारे 2 नंबर हो गए, 1 और 0, तो हमारी आ जाएगी 10s लाइन, ओके। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए हम बनाना सीखेंगे। एक सीधी खड़ी रेखा, 1, फिर एक आधा गोला, और फिर इसे पीछे ले जाएंगे सीधी खड़ी रेखा, ये बन गया हमारा 2, एंड ये एक आधा गोला, फिर नीचे उससे मिलाकर एक और आधा गोला, ये 3, एंड 1 स्ट्रेट लाइन, फिर एक छोटा 1, फिर इन दोनों को जॉइन कर देंगे बीच में से, 4, एंड ये देखिए, ये एक स्मॉल स्लिपिंग लाइन, एक 1 छोटा, और बीच में हम एक बिल्कुल ऐसा सी बनाएंगे, उल्टा सी। एंड ये देखिए, ये एक हमारा सी बन गया, और गोल इसे घुमा कर ऐसे ले आएंगे, ये बन गया हमारा 6, एंड सी, ए 1 स्लिपिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया हमारा 7। 8 कैसे बनाएंगे, इस तरह से हाफ सर्कल, फिर इन दोनों हाफ सर्कल को जॉइन कर देंगे इधर से, ये बन गया हमारा 8, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 हाफ सर्कल, ये बन गया हमारा 9, एंड ये देखिए 1 यहाँ बनाएंगे, एंड ये हम इसको गोला बना देंगे, ये बन गया हमारा 0। तो ये बन गया 1, 0, 10। तो इस तरह से आज आप 1 to 10 काउंटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। एंड नाउ सी इंग्लिश में आज हम क्या बनाएंगे। आज हम बनाएंगे K4 kite। दिस इज़ K4 kite, पतंग देखी आपने जो आसमान में उड़ती है, यस। और ये जो मैंने बनाया है, इसके अंदर आपको कलरिंग भी करना है, ठीक है। चलिए मैम बताएंगी। डॉट मैंने बनाया इस तरह से, मम्मी डॉट बना कर देंगी। पहले एक सीधी स्लिपिंग स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, एंड 1 स्लिपिंग लाइन ऊपर की तरफ ले जाते हुए, और 1 स्लिपिंग लाइन इधर बीच में से नीचे की तरफ ले जाते हुए, बन गया हमारा K4 kite। फिर से बनाती हूँ, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लिपिंग लाइन टू मिडल, एंड 1 स्लैंटिंग लाइन इधर, ठीक है। ये बन गया हमारा K4 kite। फिर से देखिए, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, तो 3 लाइन में हमारा K कवर होगा। तो सभी बच्चे इस तरह से K4 kite की प्रैक्टिस आज करेंगे, ठीक है। 1 to 10 काउंटिंग लिखेंगे, एंड र से ऋषि जैसे मैंने बनाना बताया है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।